आज का हमारा टॉपिक है इंसोमनिया। इंसोमनिया यानी नींद ना आना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंसोमनिया के कॉज, साइन एंड सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में बहुत आसान तरीके से। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलो अब टॉपिक शुरू करते हैं। इंसोमनिया, नींद ना आना। नींद का ठीक से ना आना या बिल्कुल कम आना इंसोमनिया कहलाता है। नींद के लिए सारी अनुकूल स्थिति होने के बावजूद भी नींद ना आना या काफ़ी समय तक सोते रहने के बावजूद भी नींद ना आना या थोड़ी देर सोने के बावजूद भी वापस नींद खुल जाना इंसोमनिया कहलाता है। नींद ना आने के कारण टेंशन यानी तनाव। कोई व्यक्ति है जो तनाव में रहता है, जिसे टेंशन ज़्यादा होती है तो उसे भी अच्छे से नींद नहीं आती। बैड थ्रोट यानी जिसे गंदे विचार आते रहते हैं तो उस कंडीशन में भी नींद नहीं आती। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना, उस कंडीशन में भी नींद नहीं आती। फिजिकल प्रॉब्लम जैसे सर्वाइकल पेन या कोई क्रोनिक डिसीज यानी कि लंबे समय तक कोई बीमारी चली आ रही है तो उस कंडीशन में भी नींद नहीं आती। इंक्रीज ब्लड यूरिया यानी रक्त में यूरिया का स्तर बढ़ जाना तो उस कंडीशन में भी नींद नहीं आती। बैड हैबिट्स यानी बुरी आदतें, बुरी आदतों के कारण भी नींद नहीं आती। नाइट शिफ्ट, कई लोग होते हैं जो शिफ्ट वाइजर काम करते हैं, कभी डे शिफ्ट कभी नाइट शिफ्ट, तो इससे जो है नींद का रूटीन बिगड़ जाता है, उससे ठीक से नींद नहीं आती। किसी प्रकार का नशा करना लाइक ड्रग्स, ड्रिंक, स्मोकिंग या किसी भी प्रकार का नशा करता हो तो उस कारण भी अच्छे से नींद नहीं आती। साइन एंड सिम्टम्स होते हैं नींद ना आना। ड्यू टू टेंशन ब्रेक डाउन ऑफ स्लीप पैटर्न, तनाव की वजह से बार बार नींद खुलना। मेंटल एंड फिजिकल फेटिग, मानसिक तथा शारीरिक रूप से थकान रहना या चिड़चिड़ापन रहना। नींद ना आने का ट्रीटमेंट है टेबलेट एल्प्रेक्स 0.25 या 0.5 mg में दिया जाना चाहिए रात को सोते समय, या इसके अलावा पेशेंट को अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व करनी चाहिए, जैसे अगर उसको दर्द है तो उसको पेन किलर दिया जाना चाहिए। रात को सोते समय ज़्यादा चाय या कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। सोने से पहले दिमाग को शांत रखना चाहिए। सोने जाते समय अखबार या बुक पढ़नी चाहिए, हो सके तो टेंशन से दूर रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।